हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे। क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ पूरे घर की सफाई, क्योंकि मेरी जो मेड वाली दीदी हैं उन्होंने आज छुट्टी लिया है, तो वो आज नहीं आ रही हैं, इसलिए मुझे सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि दिवाली आने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। अच्छा हुआ आज जो मेड वाली दी हैं वो नहीं आ रही हैं, तो मुझे खुद करना पड़ रहा है। ये सारे काम तो डेली का ही है, तो ये सारे मैं डेली नहीं दिखाती हूँ क्योंकि अभी डेली का ही होता है। तो बट मैंने आज सबको दिखा दिया। और उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू करने के बाद फिर उनको बर्तन डिश वॉश भी करना था। और ये सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग काम लगता है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है डिश वॉश करना। आपको पसंद है क्या? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये कर लेती हूँ मैं सबसे पहले। एंड फिर ये सारे काम होने के बाद मुझे हेयर स्पा भी करना है, तो उसका भी मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। तो गाइस, हेयर स्पा बनाने के लिए आपको चाहिए राइस, जो कि मैंने रात भर भिगो के रखे थे, प्लस साथ में ये जो फ्लेक्सीड है वो भी भिगो के रखे थे। एंड उसको भिगोने के बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा पका के, जैसे कि राइस बनाते हैं ना वैसे ही पका के, आपको पेस्ट एक ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है एक अच्छा सा। और उसमें फिर मैं मिक्स करना है दही, ये है कर्ड, तो अपने हेयर के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं। एंड फिर उसमें आपको ऐड करना है ऑयल, अगर आपको पसंद है तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऑयल जैसे ही आप ऐड करोगे ना, एक अच्छा सा स्मूथ हेयर हो जाता है। प्लस उसमें मैं ऐड करूँगी ये लेमन का जूस। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा मैंने एक पैक बनाया है। बस वो पेस्ट है राइस और फ्लेक्सीड का, राइस और फ्लेक्सीड के पानी का, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो ये बन गया है मेरा एक पैक राइस और फ्लेक्सीड का। इसमें अभी मैं ऐड करूँगी कर्ड, 2 स्पून कर्ड ऐड करूँगी। अपने हेयर के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। और फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। और 2-3 बूंद लेमन का जूस। इसे आप गाइस करके देखना घर घर पे, बहुत ही अच्छा एक केराटिन वाला स्ट्रक्चर आता है हेयर में। तो यहाँ पे मैंने लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ हेयर स्पा घर पे, क्योंकि अगर बाहर जाने का मन ना हो तो घर पे भी आप कर सकते हैं। घर के एक दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी जो सबके घर में अवेलेबल होती है, तो आराम से आप अच्छे से बहुत ही अपने हेयर को एक स्मूथ केराटिन स्पा कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या यूज़ किया हो तो मैंने सब कुछ दिखाई दिया है आपको, क्या क्या मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मेरा ये देखिए कितना ही स्मूथ एक जेली पैक बन गया है। और ये बहुत ही अच्छा होता है हेयर के लिए, जब भी मैं लगाती हूँ ना तब भी मतलब हेयर इतने अच्छे हो जाते हैं कि कुछ कहने की तो बात ही नहीं। तो इतने अच्छे, इतने स्मूथ और इतने शाइनी हो जाते हैं। जैसे ही वॉश करो तब तो गीले रहते हैं, इतना नहीं देता, जैसे ही ड्राई हो जाएगा, जैसे ही सूख जाएगा, वैसे ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। तो मुझे बहुत पसंद है ये हेयर स्पा घर पे करना, तो बस टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं हो पाता। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है जो घर पे आप कर सकते हैं। और मैंने ये रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं करूंगी अपने हेयर को पार्टीशन। यार पूरी सीधी वाली मांगनी निकलती है, कोई नहीं, मैं इसको सबसे पहले कर लेती हूँ पार्टीशन। और मैं गाइस हाथ से ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि हाथ से जितना ज्यादा अच्छा लगता है और जितना ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना, ब्रश वगैरह से नहीं लग पाता मेरे से, तो हाथ से ही बहुत अच्छे से लग जाता है।
तो मैं हाथ से लगाना स्टार्ट करती हूँ। बट यार थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था। नाइस आइडिया। मैंने अब लगा लिया है। अब कर क्या, थोड़ी देर को इस थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, 20 to 30 मिनट, जिससे कि ये सूख जाए, फिर आती हूँ वॉश करके। 1 hour later। तो गाइस, तो अभी हो गया है डिनर का टाइम और मुझे बनाना था आज चिली पनीर और फ्राइड राइस। बट मैं जब बनाने आई तो मुझे दिख रहा था कि काफ़ी चीज़ें नहीं है मेरे पास अवेलेबल, पनीर भी बहुत कम सा ही था। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, जितना है उतने में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पनीर को कट करके उसमें थोड़े से कॉर्नफ्लो और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। तो इसको मिक्स करके मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई किए हुए पनीर ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे डालना पसंद नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा अगर फ्राई हो जाता है ना तो एक क्रिस्पी सा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने कट कर लिए थे कैप्सिकम और कैरेट और ग्रीन चिली। तो कैरेट तो मुझे फ्राइड राइस के लिए चाहिए था, उसमें बीन्स भी चाहिए था बट बीन्स था नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ सारे पनीर को। तो अभी मेरे पनीर फ्राई हो गए हैं, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक, जो मैंने छोटे छोटे कट करके रख दिए थे, और गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं ऐड करूँगी अदरक, जो भी वो भी कट करके रखे थे, एंड फिर उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ प्याज जो मैंने बारीक कट करके रख दिए थे, तो वो ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सारे वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा एक ढक्कन, मतलब कि एक स्पून आप विनेगर ऐड कर सकते हैं, मैंने विनेगर ऐड किया है, एंड फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। तो आप 1 and 2 spoon ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कम ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि सोया सॉस में नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करें जिससे कि नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। एंड उसके बाद मेरे पास था ये रेड चिली, सॉरी ग्रीन चिली सॉस, तो ये मैं ऐड कर दूंगी 1 spoon। आप ये भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने बारीक कट करके मिर्ची ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया था, तो क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पाइसी पसंद है सो मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे फिर मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो सॉस, तो आप टोमेटो सॉस भी ऐड करिए जिससे कि टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे मैंने
ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया था, और यहाँ पे फिर मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम जो मैंने कट करके रख दिए थे। तो कैप्सिकम ऐड करके बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़े देर तक ही फ्राई करके फिर उसमें ऐड कर देना है। अगर आप ड्राई बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कॉर्नफ्लो में ही ऐड करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो कॉर्नफ्लो ज़्यादा लीजिए और उसमें पानी उस हिसाब से ऐड करके। एक ग्रेवी वाली आप चिली पनीर बना सकते हैं, तो अगर आपको ड्राई बनाना है तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मैंने अभी पनीर ऐड कर दिए हैं, तो पनीर को थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी पूरे उसके साथ। पर यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लो ले लिया है, उसमें पानी मिक्स कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए, क्योंकि सबको ग्रेवी वाली भी पसंद आती है कि राइस वगैरह से खाना हो। तो और ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, और यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा अनियन भी बड़े बड़े पीसेस में कट करके मिक्स कर रही हूँ, तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अब देख सकते हैं ये बन चुका है मेरा चिली पनीर। फिर यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ फ्राइड राइस के लिए, तो आज फ्राइड राइस में थोड़ा सा अनियन और थोड़ा सा वेजिटेबल मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे पास जो था जैसे कि कैरेट था, तो मैंने इसको कट कर लिए थे बहुत ही पतले उसमें, और अनियन और कैरेट मैं मिक्स कर रही हूँ उसमें, और कुछ मसाला मिक्स नहीं करूँगी, जस्ट नमक और जो है उसमें थोड़ा सा रेड चिली मिक्स किया मैंने, एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर अगर मिक्स करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं राइस को पहले ही बना के रख दिया था मैंने, तो राइस अभी मिक्स कर रही हूँ, तो फ्राइड राइस इजी रहता है, जल्दी बन जाता है अगर पहले बना लो, तो बस मिक्स करना रहता है वेजिटेबल के साथ। तो ये आप देख सकते हैं मैं सारे राइस को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मेरा बन गया आज का डिनर।